हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट ग्लैम अप क्वीन। सो बस आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी डीआईवाई रेमेडी जिसकी हेल्प से आप अपनी स्किन को वाइट एंड ब्राइट बना सकते हैं, ग्लोइंग बना सकते हैं और स्पॉटलेस बना सकते हैं। इस रेमेडी को बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसमें मैंने जितने भी इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव है। आपकी स्किन पर कोई हार्म नहीं होगा, बल्कि आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी और आपको वाइट एंड ब्राइट और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। साथ ही साथ अगर आपकी स्किन में एक्ने, पिंपल्स, दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, झाइयाँ, टैनिंग की प्रॉब्लम होगी तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी दूर होगी और आपको वाइट एंड ब्राइट और स्पॉटलेस स्किन मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि हमें इस रेमेडी को किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से यूज़ करना है। इसको बनाने के लिए हमें कुछ ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी जो इजीली हमारे किचन में मिल जाएंगे और ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और इफेक्टिव हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक क्लीन बोल लेना है जिसमें आपको 1.5 चम्मच बेसन ऐड करना है। बेसन आपके स्किन से दाग धब्बे, झाइयाँ, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करेगा और आपकी स्किन को स्पॉटलेस बनाएगा। तो आप इसमें 1.5 चम्मच बेसन ऐड कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है टर्मरिक पाउडर। तो मैं यहाँ पर 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। टर्मरिक में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है जिससे स्किन स्पॉटलेस और वाइट एंड ब्राइटन होती है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच हनी यानी शहद। शहद बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्किन को स्पॉटलेस बनाएगा। स्किन अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, साथ ही साथ दाग धब्बे की प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। तो आप इसमें 1 चम्मच शहद ऐड कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करूँगी वो है 1 टीस्पून लेमन जूस। लेमन में स्किन वाइटनिंग एजेंट होता है जिससे स्किन वाइट एंड ब्राइटन होती है। साथ ही साथ अगर आपको लेमन सूप नहीं करता है तो आप इसमें टमाटो जूस भी ले सकते हैं, या फिर आप इस पैक को लगाने से पहले एक बार पैच टेस्ट कर जरूर कर ले। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच कर्ड यानी दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है जिससे स्किन डीपली क्लीन होती है, साथ ही साथ स्किन मॉइस्चराइज रहती है, साथ ही साथ स्किन पर अगर दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, झाइयों की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर होगी। इसको आपको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको उसे तब तक मिक्स करते रहना है जब तक कि एक स्मूथ क्रीमी पेस्ट ना तैयार हो जाए। तो मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मेरा डीआईवाई पैक एकदम रेडी हो चुका है। और आपको ध्यान रखना है, आपको इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरीके की रखनी है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए ताकि आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। अब बात करते हैं कि इसे यूज़ किस तरीके से करना है। इसको यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यूज़ करने से पहले अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पर इस पैक को अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। इस पैक को आप अपने नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने हैंड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी फीट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो गई है, टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई है, तो इस रेमेडी को आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से पूरे फेस पर अप्लाई करने के बाद आपको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से अपने फेस की मसाज करनी है। तो मैंने यहाँ पर अपने पूरे फेस पर इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक अच्छे से अपने फेस की मसाज कर लूँगी। इसको आप अपने नेक पर, हैंड्स पर, फीट पर भी अप्लाई करेंगे तो भी आपको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करनी है। मसाज करने से क्या होगा कि आपकी स्किन की डेड स्किन रिमूव होगी, साथ ही साथ स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा जिससे आपकी स्किन नेचुरली ग्लोइंग हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो जाएगी, आपकी स्किन पर नेचुरल ग्लो होगा। आपको ज़्यादा मसाज नहीं करनी है और मसाज आपको बहुत ही स्मूथली करनी है, अपने फेस को रगड़ना नहीं है। 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करें और उसके बाद इस पैक को आपको अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इसके पहले यूज़ से मेरी स्किन कितनी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा शाइनी दिख रही है। अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे तो क्या होगा कि आपकी स्किन की धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी और आपको वाइट एंड ब्राइट और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। और अगर आपको इस पैक के बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे वीक में 2 से 3 बार ज़रूर ट्राई कीजिए,
दो से तीन बार में ही आपको फ़र्क देखने को मिलेगा कि आपकी स्किन की धीरे धीरे प्रॉब्लम दूर हो रही है और आपकी स्किन वाइट एंड ब्राइटन और स्पॉटलेस हो जाएगी, शाइनी और रेडियंट हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।